भाभी, जो कुछ हमने सोचा है कि आप वो सब मुमकिन होगा, आपके लिए तो ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं है, मगर मेरी मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, लोग तो यही सोचते समझते हैं ना। मैं भी हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि ये सब कैसे मुमकिन होगा। ये सब करने के लिए हमें अपने घरों से ना कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ मुमकिन होगा। क्या मतलब कैसे शिफ्ट होना होगा, कहाँ शिफ्ट होंगे? विरसा, जी जी भाभी, कोई विरसा से कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। है फातिमा, है मैंने ऊपर से अभी देखा है कि वो एक बुरके वाली लड़की कोई अंदर गई है, पता नहीं कौन है, उसी से मिलने आई हूँ। वो विरसा की दोस्त है, वो दरअसल ना औरतों से भी पर्दा करती है, इसलिए तो मैं उनके साथ नहीं बैठी। लो बताओ, ये कौन सी दोस्त है जो औरत औरत से पर्दा करती है? हमने तो नहीं कभी सुना है, जरा देखने तो दो। भाभी, ये मियाँ आपको क्या हो गया? मुझे अंदर तक आपकी आवाजें आ रही है। बताया तो अम्मी ने आपको, उसे नहीं पसंद किसी से मिलना, वो पर्दा करती है। लेकिन मैं तो मिलना चाहती हूँ ना उससे, मैं तो मिलूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप ताई अम्मी को? मेहमान है, उसे बुरा लग जाएगा। हाँ क्यों पागल बन रही है भाभी, जब एक लड़की को नहीं पसंद तो क्यों जबरदस्ती कर रही हैं आप? अच्छा मैं पागल हो रही हूँ, समझ गई हूँ सारी बात। अगर तुम मुझे उस औरत से मिलने नहीं दोगी ना, तो मैं ये बात मंसूर को बताऊंगी, उसे बताऊंगी कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ पता नहीं क्या खेल खेला जा रहा है, जो ना हमें बताया जा रहा है ना तुम्हें बताया जा रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। हटो पीछे भाभी। आया क्या भाभी भाभी लगा रहे हो? चाहिए अपनी, आप नहीं कर सकती मेरी दोस्त से, मत करो। ए लड़की, क्या नाम है तेरा? अर्शिया नाम है इसका। तुम चुप रहो, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, तुम खुद नहीं अपना नाम बता सकती, और बड़ा तुमने यूं करके नकाब किया हुआ है, देखो तो सही में क्यों पर्दे कर रही हो? ताई अम्मी, आप जबरदस्ती नहीं कर सकती। आप इस तरह मुझे जबरदस्ती हाथ नहीं लगा सकती। क्यों क्यों नहीं देख सकती मैं? कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी। बर्दाश्त की हद होती है भाभी, हर वक्त आप अपना घर छोड़ के हमारे घर में नजरें गाड़ी रखती है, ये तुम ठीक नहीं कर रही। अरे फातिमा, अपना और मेरा मकाम पहचानो। मुझे इस वक्त किसी चीज की परवाह नहीं, किसी मुकाम की परवाह नहीं, परवाह है तो इस बच्ची की। मैं आपको इसका नकाब हटाने नहीं दूंगी। अच्छा नहीं हटाने दूंगी। अरे पीछे हटो, तुम्हारा तो मैं इधर। अरे इधर छोड़ो, इसे छोड़। अरे अभी इधर आ, मैं देखूं तो सही तुझे। वाह फातिमा वाह, ये तुमने मेरे साथ आज अच्छा नहीं किया, ये बिल्कुल तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि आप सारी जिंदगी मेरे और मेरी बेटी की गर्दन पे सवार रहेंगी। अच्छा बस कर दें आप दोनों, बस तो हो गया। जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है वो जा चुकी है। समझ आ गई कि तुम दोनों माँ बेटी की मिली भगत है। छोड़ूंगी मैं भी नहीं इस बात को, खूब घुमाऊंगी नहीं। हाँ तो मंसूर को आज देखो होता क्या। ठीक तो है ना? ठीक है ना, क्या करूं? वो चली गई। मैं तो जो भी करती हूँ मंसूर, तुम तो जानते हो, तुम्हारा ख्याल करके करती हूँ। पहले भी ये बुरका पोश औरत विरसा और फातिमा के पास आती रहती है, एक तो बार तो मैंने नजरअंदाज कर लिया, फिर आखिर मैंने सोचा मैं जाके देखूं तो सही क्या आखिर वो औरत है कौन। तो सुनो मेरे भाई, तुम्हारी बीवी और बेटी ने मुझे उस औरत से मिलने नहीं दिया। मैं अंदर जाने लगी तो फातिमा ना तन के मेरे सामने खड़ी हो गई, कहने लगी कि वो औरत किसी से नहीं मिलती, ये नकाबपोश औरत जो है ये तो पर्दा करती है। अरे देखो तो सही भाई, औरत औरत से क्या पर्दा करेगी? मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। मत डरो बेटा, एक ना एक दिन तो इस डर का सामना करना ही पड़ेगा ना, कहीं से तो शुरुआत करनी थी, यहीं से सही। अब क्या बताऊं मेरे भाई, मैंने बहुत मिन्नत समाजत की, तुम्हारा वास्ता दिया तब मुझे कमरे के अंदर जाने दिया गया, अंदर पहुंच तो गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ,
नकाब पोश औरत ने अपना नकाब ना हटाया, मैंने जरा सी जिद की तो फातमा मेरे ऊपर गुर्राने लगी। मैंने जरा सा आगे बढ़ के नकाब हटाना चाहा तो फातमा ने मुझे जोर से धक्का दिया और विरसा ने भी मेरा तमाशा देखा और इस तरह उस औरत को फरार करवा दिया। जरा सोचो, कुछ तो गलत हो रहा है ना तुम्हारी पीठ के पीछे, वरना ऐसे किसी नकाब पोश औरत को मुझसे छुपाने की भला क्या जरूरत थी। हो ना हो चाचू, जरूर इस बुरके के पीछे कोई एक ऐसी औरत है जो हमारे खिलाफ साजिश रच रही है, वरना इतनी राजदारी और मजामत इसी तरफ इशारा करती। कहीं ये दोनों माँ बेटियां कुछ ऐसा तो नहीं कर रही जिससे तुम्हारी रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाए। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है मंसूर। अरे अब्बा, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। मेरी तो वो बेइज्जती हुई कि मैं तो मरते मर जाऊंगी मगर तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगी। अरे अम्मा, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारी क्या गलती है? परेशान नहीं हो, चाचू जाएंगे ना, जाके बात करेंगे उनसे। और वैसे भी तुम घर की बड़ी हो अम्मा, कौन आता है कौन जाता है तुम्हारा फर्ज है चेक करना। क्या कहा है तुमने भाभी को? ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या तुमने भाभी के साथ बदतमीजी की है, धक्का दिया है उन्हें? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है वो। तो सच क्या है तुम बता दो। शमीम भाभी जबरदस्ती उस बच्ची के चेहरे से नकाब नोचना चाहती थी, मैंने बस उन्हें ऐसा ना करने से मना किया था। अब विरसा से पूछ ले। मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें भाभी के पास जाना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। और ये कौन है, ये नकाब पोश औरत कौन है ये? वो औरत नहीं है, आपकी बेटी की सहेली है, अर्शिया नाम है उसका। और वो कौन है, कहां से आती है, ये सवाल तो आप अपनी बेटी से पूछिए। तमाशा शुरू हो गया मेरे घर में, जब देखो तब कोई नई मुसीबत, कोई नई चिकचिक, पहले तो ऐसे नहीं होता था। जब लोग दूसरों के घरों के मामलात में टांग अड़ाएंगे तो ऐसा ही होगा। भाभी इस घर की बड़ी हैं, जितना घर हमारा है उतना उनका भी है। और तुम इस तरह की बात सोच भी कैसे सकती हो? काश आप भी ऐसा सोच सकते। ऊपर जाओ भाभी के पास, उनसे माफी मांगो और उन्हें मना के नीचे लेके आओ।